नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जब तक सूरज चांद रहेगा मेरी भी पहचान रहेगा। कार्य करना है कार्य करेंगे, वादा नहीं करेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड के ग्राम पंचायत रामपुर दक्षिणी के भावी मुखिया प्रत्याशी के साथ R9 भारत के चिरैया रिपोर्टर दिनेश कुमार सिंह से की है खास बातचीत। राकेश कुमार भावी मुखिया प्रत्याशी जो 3 पंचायत से खड़े हुए हैं, मुखिया प्रत्याशी के लिए उन्होंने जीतने के बाद सर्वप्रथम उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी चिरैया रिपोर्टर को बताया। रामपुर दक्षिणी पंचायत के पंगुरहा, मदिलवा, धगर टोली, लक्ष्मीपुर, चुलेहारवा, बेलेही, भैरियाही, समदा सहित सभी गांव का करेंगे चौमुखी विकास। नाला का उड़ाही, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन से लेकर पारिवारिक लाभ, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो भी कार्य हो, मुख्यमंत्री आवास योजना, सब कार्यों को प्राथमिकता से करूंगा, सभी को लेकर के चलूंगा। सिर्फ विकास की बात करूंगा और विकास के सहारे पंचायत को एक नई दिशा देने की कोशिश करूंगा। सभी क्षेत्रवासी एवं मतदाता बंधुओं को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जी नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह, R9 भारत, मोतिहारी जिले के चिरैया प्रखंड के रामपुर दक्षिणी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी राकेश कुमार से आइए कुछ खास बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, पूर्व मुखिया मिश्रौलिया। अभी आप किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? रामपुर दक्षिणी। तो इससे पूर्व में आपने मिश्रौलिया पंचायत से और करतारी पूर्वी पंचायत से मुखिया भी रह चुके हैं। रामपुर दक्षिणी में जाने का मुख्य कारण क्या है? रामपुर दक्षिणी में जाने का मुख्य उद्देश्य है कि रामपुर दक्षिणी पंचायत के बिलही ग्राम, समदा ग्राम, भिरियाही ग्राम, मौराहा, मदिलवा, वहाँ के नवयुवक साथी एवं गार्जियन तुल मेरे अभिभावक लोगों ने कहा कि आप यहाँ चुनाव लड़िए, हम लोग आपको मदद करेंगे क्योंकि यहाँ विकास कोसों दूर है। तो आप पंचायत में इस समय भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या कमी नज़र आ रही है जो अभी तक मुखिया जी वहाँ पे नहीं कर पाए? कमी तो बहुत है क्योंकि वर्तमान में जो मुखिया जी हैं सगीर चचा जी, हम तो उनका शिकायत तो नहीं करेंगे, हम तो अपने कर्म पर और अपने खत्तरी पूर्वी और मिसौलिया के काम के आधार पर ही वहाँ हम चुनाव लड़ने गए हैं। तो जैसे कि बहुत से जगह पे पंचायतों में नल जल का हाल बुरा हाल है, नली गली का व्यवस्था खराब है, तो रामपुर दक्षिणी में आपको इसका कमी कुछ दिखा? नली गली का तो बहुत सा मतलब दिक्कत है, कहीं भी तो रोड है नहीं। जैसे लक्ष्मीपुर से चले आइए चुलिहरवा नहर पर जो है, न वहाँ ईट सोलिंग हुआ, न PCC हुआ। भेरियाही से ग्राम समदा मठ तक वह भी अभी आज तक नहीं हुआ। फिर ग्राम भेरियाही से जो मिश्रौलिया मुख मतलब नहर के पास जो सड़क है उस पर भी कुछ कार्य नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक मंगुराहा गांव में एक नाला है जो आज तक लगभग 4-5 प्रतिनिधि तो हो गए 2001 से अभी तक, लेकिन आज तक उस नाला पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि का आज तक ध्यान नहीं गया है। क्योंकि उस नाला का अगर उड़ाही हो जाता है तो कम से कम बुझाइए, समझ जाइए कि 200 एकड़ का फसल लोग किसान के घर में आ जाएगा। और एक भी बारिश होता है तो वहाँ का किसान का इतना बुरा हाल होता है कि जो भी अपना रोपनी अगर किया हुआ है तो वो मतलब टोटल बारिश से डूब जाता है। और एक नाला अगर उड़ाही हो जाता है तो बस मतलब 200 एकड़ का फसल मतलब किसान के घर चला जाएगा। ऐसे में बहुत से लोगों का कहना है कि अगर यहाँ के वर्तमान में जो अभी सगीर साहब है, इन्होंने बहुत से विकास का काम किया है, जैसे हर गांव में ब्रह्म स्थान का निर्माण किया है उन्होंने, और आपको अगर जनता मौका देती है तो आपका पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? पहला प्राथमिकता यह रहेगा कि मंगुराहा ग्राम में नाला का उड़ाही कार्य। उसके बाद आपको हो गया भेरियाही टू समदा, मतलब पहला प्राथमिकता मंगुराहा ग्राम से। मंगुराहा ग्राम में जब हम वोट मांगने जाते हैं तो वहाँ के किसान भाई एवं मेरे अभिभावक लोग बोलते हैं कि यहाँ मुखिया जी आप बहुत काम किए हैं,
और इसी उम्मीद से आपको यहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ने का मौका दिए हैं। तो हमने पूछा क्या बताया जाए अभिभावक गार्जियन, तो उन्होंने बोले कि यहाँ जो ये नाला जो निकला हुआ है, जो अतिक्रमित करके लोग गड्ढा मतलब भर दिया गया है, जिससे मतलब 200 एकड़ के करीब मतलब उपज मतलब नहीं हो पाता है। बारिश अगर होती है, एक भी बारिश अगर हो गए 5-6 घंटा, तो बस मतलब पूरा फसल मतलब डूब के बर्बाद हो जाता है। तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा मंगराहा ग्राम का जो किसान भाई से संबंधित है, उस नाला का उराही कार्ड। अगर दिसंबर में मेरा चुनाव होता है, 10 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आता है, तो आप याद रखिएगा कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में सबसे पहला काम अगर होगा तो मंगराहा ग्राम का नाला उराही कार्ड होगा। मंगराहा के अलावा ग्राम हो गया मदिलवा, बिलही, भेरियाही, समदा और लक्ष्मीपुर, चुलिहरवा, महदीपुर, ढंगर टोली। मैं जो भी समस्या है नली गली का या स्ट्रीट लाइट का, ये सारे सुविधा मैं 1 साल के अंदर पूरा करूंगा। R9 भारत के लिए दिनेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, चिरैया से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। इस चुनावी मैदान में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी, विकास के वादों को लेकर सब अजमा रहे अपनी बारी, गांव की जनता किसके हाथों सौंपेगी पंचायत की पतवार, आखिर अब की बार किसकी होगी गांव की सरकार। देखिए एक खास शो गांव की सरकार, सिर्फ और सिर्फ R9 भारत पर।